देखो पूरा पीरियड एक पेज पे निकाल दिया। डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, नॉर्मली हमेशा नहीं जाते। फिलहाल आज हम घर जा रहे हैं, मालूम है, अचानक से कॉलेज में रह के हमें इंटर्नशिप करना हुआ। तुम रुके गर्मी छुट्टी बर्बाद, दो महीना घर से कोई कुछ बेचता है तो आ जाता है आराम से। चला तो भाई जैसा कि बताया था ना, आज हम जा रहे हैं घर। लोग पढ़ने के समय में गेम खेलता है, क्लास खत्म हो जाता है तो देखो दिखावा करता है कि हम पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज भी सुबह सुबह, मालूम है, आज सुबह सुबह इतना भयंकर हम नींद में थे ना, कॉलेज पहुंच गए नींद में, तो वीडियो उस समय याद नहीं आया करना है क्योंकि क्लास के लिए लेट हो गए थे। कैसे भी दो धूप के पहुंच गए। अभी ये देखो कितना खूबसूरत किया है, देखो महिंद्रा के लोगों में देखो कैसा बना दिया, चिड़िया लग रहा है भाई। क्रिएटिविटी तो है इंडिया में, बड़ा पड़ा है। फिलहाल आज हमारा दिन बहुत अच्छा है, आज हमारा 9 से 2 ही क्लास है, जिसमें से अभी बज रहा है 12। अभी हो गया हमारा ब्रेक एक से हम खा के भी आ गए, ब्रेक ही नहीं हुआ, खा के भी आ गए। फिलहाल आज हम घर जा रहे हैं, मालूम है, अचानक से घर जा रहे हैं भाई। अचानक से हमें फ़ोन आया घर से, थोड़ा काम है घर पे तो हम नहीं कर रहे आज घर, रात तक हो सके तो कोई ट्रेन पकड़ के निकलते हैं। क्या ही जीवन में, ट्रेन में तुम भी फंस गए झूठ में पैसा देते। जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब बेकार चल रहा है। अभी आज ऐसा लग रहा है हमें, पता नहीं क्यों, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ये हो गए, क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, नॉर्मली हमेशा नहीं जाते क्योंकि सोने नहीं देते हैं भाई। बढ़िया से सुबह 9 बजे क्लास होता है, बिना सोए दौड़ते भागते पहुँचते हैं। इतना धूप, एक तो ये देखो ये अलग ही दिमाग ख़राब किया है। ठंडी का मौसम किया तो कुछ दिन रहना चाहिए ना गर्मी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मस्त वाला। तो देखो अभी ठंडी किया, दबा के फिर से गर्मी पड़ने लगा, रात को ठंड लगती है सुबह गर्मी लगती है, करे तो करे क्या। फिलहाल चलते हैं भाई क्लास, कैंपस देखो धूप में खाली हो जाता है पूरा। देखो एक और चीज़ दिखाते हैं, हमारे कॉलेज में देखो भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट भी है। देखो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है कॉलेज में, हमारे घर से कोई कुछ भेजता है तो आ जाता है आराम से, और कहीं कुछ चला भी जाता है। बढ़िया है भाई, देखो फायर ब्रिगेड भी है वहाँ पे, सब कुछ है। देखो इतना भयंकर गर्मी है ना, गर्मी से बचने के लिए एक ही जगह सबसे अच्छा है, जहाँ सबसे अच्छा आपको ट्रीट किया जाता है, एडमिशन ब्लॉक। तो वहीं जा रहे, बैठेंगे एसी में थोड़ा देर, क्योंकि अभी हमारा ब्रेक है ना, 20 मिनट बाकी है, थोड़ा हवा खा के फिर आ जाएंगे। ऑन द वे देखो लास्ट क्लास बची है, बोला कि आपसे मिलते हैं, बाबा भी गया फिलहाल क्लास, उसका क्लास अब से स्टार्ट हुआ 5 बजे तक, हमारा इसी में क्लास है भाई। तो बचा हुआ एक क्लास लगा रहे, पहुंच गया क्लास, ये दो चार को आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल अभी टाइम नहीं हुआ, पहले ही हम आ गए, कोई टीचर आए नहीं, जिम नहीं हुआ है, देखो पंजा, दिन भर आर्म रेस्लिंग। चलो देख रहे हो, थोड़ा बॉडी बन जाएगा तब क्या करेगा भगवान जाने। ए मेरा भाई देखो, देखिए क्या आ रहा है, इसको किसको इंटर्नशिप पे करना, किस आ गया, इसको करना होगा क्लास, कॉलेज में रह के हमें इंटर्नशिप करना होगा। तुम रुके गर्मी छुट्टी बर्बाद, दो महीना। देखो पूरा पीरियड एक पेज पे निकाल दिया। मेला देखो, हाँ अभी मेला कम है, सबसे ज्यादा मेला लगता है 5 बजे, 5 बजे देखना मेला, कॉलेज में मेला है देखो। तो भाई अब देखो, अब हम थोड़ा खुश है, मालूम है क्यों, क्योंकि सारा क्लास खत्म, हम जा रहे हैं भाई अब रूम नहीं, एक्चुअली आज हम घर जा रहे हैं, अभी रूम पहुंचेंगे, सामान पैक करके सीधा निकलेंगे फगवारा के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन फगवारा से है। ये पहुंच गए पार्किंग, आज फिलहाल बाइक लेकर हम 34 के पार्किंग में आ गए थे सुबह, भाई चलने का एकदम मन नहीं था, सोचे आज फाइन होगा तो दे देंगे, लेकिन आज पैदल नहीं चलेंगे, तो आज बाइक हम एकदम यहीं पे लगाए, यहाँ पे थी हमारी क्लास। ये पार्किंग बस टीचर्स के लिए होता है, इसीलिए हमारा स्टूडेंट का इसमें फाइन लग जाता है, लेकिन यहाँ से हमारा क्लास बहुत पास होता है, अगर हमें भी यहाँ लाने दे बाइक तो भाई मजा आ जाएगा सबसे। देखो फिर से पहुंच गए हम कॉलेज के पास, वो दिख रहा होगा आपको हमारा कॉलेज, यहाँ से हम पकड़ते हैं ट्रेन, तो यहाँ से पहले हम रेलवे स्टेशन चलते हैं भाई। तो भाई जैसा कि बताया था ना, आज हम जा रहे हैं घर, तो अभी देखो हो गए शाम, हम पहुंच गए फगवारा के रेलवे स्टेशन, पीछे आपको शायद फगवारा दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें सिंपल क्या करना है, फगवारा से हमारी ट्रेन है दिल्ली तक के लिए, दिल्ली से हमारी फ्लाइट है कोलकाता के लिए, तो हम अपने घर कल पहुँच जाएंगे कल सुबह तक, वैसे शाम को पकड़ेंगे, रात को 12 रात को 11 बजे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, सारे पंजाब से हम जा रहे हैं,
सबसे बढ़िया ट्रेन वही है भाई यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। उसके बाद हमने सोचा वहाँ अपने दोस्त के रूम पर रुक जाएंगे, और 4 बजे वहाँ हमारी फ्लाइट है, तो फिर फ्लाइट भी ले लेंगे। सुबह मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक हम अपने घर पहुँच जाएँ कल कोलकाता। आज दिन भर हम बहुत ज़्यादा अपसेट थे भाई, मन ही नहीं लग रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे क्लास खत्म हुआ अब भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्या जा रहे हैं ना। तो आप भी सोच रहे होगा अचानक से घर क्यों जा रहा है, तो फादर साहब का कॉल आया कि जल्दी से आओ घर, थोड़ा काम वाम के सिलसिले पे हम घर जा रहे हैं। फिलहाल ट्रेन में देखो भाई जितना हो सके खाने पीने का सामान रख लेना, इसमें हमने कुरकुरे लेस मूंग दाल बिस्किट ये सब रख लिया, जितना आप खाने का सामान लोगे ना उतना अच्छा से आपका रास्ता पार हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम फरवाड़ा रेलवे स्टेशन, 20 मिनट में हमारी साने पंजाब ट्रेन आने वाली है, तो उसको पकड़ के हम सीधा मिलते हैं आपसे दिल्ली में। भाई पंजाब में भी कोई एयरपोर्ट रहता तो कितना अच्छा रहता, सीधा यहाँ से हमें फ्लाइट मिल जाती कोलकाता के लिए। वैसे अब हमें हमेशा चेंज करना पड़ता, दिल्ली जाओ दिल्ली से मिलती है कोलकाता की फ्लाइट, इधर बहुत कम ही मिल पाती है। इन द सेंस कोलकाता मिल जाता है, मेरे घर से पास जो एयरपोर्ट है वो दुर्गापुर, वहाँ तक का नहीं मिलता है। अगर यहाँ से हम जाएंगे कोलकाता फिर वापस आना पड़ेगा, इससे बढ़िया कि दिल्ली चले जाओ, वहाँ से फिर दिल्ली से फिर दुर्गापुर एयरपोर्ट के लिए हमारी फ्लाइट मिल जाती है, तो इसीलिए वो बेस्ट है। अमृतसर से लिए बहुत कम फ्लाइट है, एक दो ही फ्लाइट है और ज्यादातर कनेक्टिंग फ्लाइट, अगर वहीं थोड़ा एक दो फ्लाइट खुल जाए ना तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होता, दिल्ली ना जाना पड़ता भाई। और आज गर्मी दबा के पूछो मत। और 2024 का जो एडमिशन है ना वो भी स्टार्ट हो गया है, अगर आपको हमारे कॉलेज में या फिर इंडिया किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है ना तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, बस आप उसे फिल कर दो, हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप और एक कॉलिंग नंबर भी है, अगर आपको उसके थ्रू भी कोई डाउट आपको अगर क्लियर करना है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ये एकदम फ्री, आपके 1 रुपये नहीं लगने वाले हैं। तो जल्दी जाओ नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक है बस आप उसे फिल कर दो।